हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट अकेडमी। और गाइस, आप सभी का स्मार्ट अकेडमी में स्वागत है। और गाइस, हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2018 के लिए सेशन, और हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस। रिसेंटली मैंने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के सी सेट 2017 के क्वेश्चन किए हैं। और गाइस, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आपको प्रीवियस लेक्चर देख लेना चाहिए। और ये सभी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के सी सेट। और गाइस, इसके साथ साथ मैं मॉडल पेपर भी करूँगा। पहले हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद मॉडल पेपर करेंगे। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और गाइस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको सॉल्व करना नहीं होता है, अर्थात उसको हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है और कैसे हमें देखना है कि ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले गाइस, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं न्यू लेक्चर अपलोड करूँगा आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? इफ़ द एवरेज ऑफ नंबर 50% ऑफ द नंबर एंड 25% ऑफ नंबर इज 280, देन नंबर इज। देखिएगा, ये मैंने इंग्लिश वर्जन है और ये हमारा हिंदी वर्जन है, इसको भी पढ़ लेते हैं। ये मैंने बाइलिंगुअल में बनाया है ताकि जो इंग्लिश बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं और हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे हों उनको कोई परेशानी ना हो। देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या है? यदि एक संख्या उसका 50% और उसी संख्या के 25% का औसत 280 है तो संख्या क्या होगी? कैसे हमें ये क्वेश्चन करना है ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिएगा, हम कोई संख्या मान लेते हैं, ये हमारी x है और इसका हमें 50% लेना है। 50% हमारा कितना हो जाएगा? 0.5x प्लस और 25% इसका, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 0.25x, क्योंकि हमें औसत लेना है, एवरेज लेना है, और ये हमारे कितने नंबर हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं, तो इसको 3 से हम डिवाइड करेंगे। जैसे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 280 दे रखी है। अब देखिएगा, ये मैं आपको समझा देती हूँ ये मैंने कैसे लिखा है। देखिएगा, जब मैं x का 50% करूँगा, इस 50% को मैं क्या लिख सकता हूँ? x इंटू 50 डिवाइड बाई 100। देखिएगा, जैसे मैं इसको ये 100 डिवाइड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 0.5x। देखिएगा, ये मैंने इस तरह से लिखा है, जो कि मैंने यहाँ पर नहीं बताया था। देखिएगा, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमें डायरेक्ट करनी होती है तो हमारा टाइम ज़्यादा सेव हो जाता है, और जितना टाइम सेव होगा उसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में लगा सकते हैं। देखिएगा, सेम यही मैंने किया है, x इंटू 25%। जैसे ही 25% को लिखूँगा तो 25/100 लिखूँगा, और इसको 100 से डिवाइड करूँगा तो ये कह जाएगा 0.25x हो जाएगा। अब देखिए, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इनको अगर हम ऐड करते हैं तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू हमारी? 1.75x और डिवाइड बाई 3 इक्वल टू कितना जाएगा? 280। अब देखिएगा, इसको मैं इधर ले जाऊंगा और इससे मैं डिवाइड करूंगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 280 इंटू 3 डिवाइड बाई 1.75। अब देखिएगा, ये पॉइंट हटाना है तो ऊपर हमें क्या करना होगा? 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। अब देखिएगा, इसको मैं आपको बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। ये इसको 25 से डिवाइड करूँगा 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाता है, और इसको मैं डिवाइड करूँगा तो ये हमारा आ जाएगा 7। अब देखिएगा, इस 7 से मैं 280 को डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारा? 40 आ जाएगा, ये हमारा 40 आया है। 40 इंटू 3 इंटू 4 ये हमारा आ जाता है 480। अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिएगा, बी हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देख भी रहे हो, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, बस बशर्ते ये है कि आपको उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेते हैं, समझेंगे फिर उसका सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? इफ़ कोड ऑफ डेली इज HIPLM देन QEHVEW इज कोड ऑफ। क्वेश्चन क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, दिल्ली को ये कोड दिया गया है तो ये किसका कोड होगा ये कहा गया है। देखिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन हम इसको कैसे अटेम्प्ट करने हैं ताकि हमारा आंसर सही हो जाए। देखिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर ई दो बार आया है, अगर यहाँ ई दो बार आया है तो हमें कोई भी जो हमें दिए ऑप्शन दिए उसमें चेक करेंगे कि दो सेम लेटर कौन से किस इस शब्द में आया हुआ है। देखिएगा, इसमें दो कोई सेम आया है। देखिएगा, ये एम आया है, एम यहाँ पर एम आया, लेकिन हमारा क्या है, स्टार्टिंग के सेकंड पोजीशन पे और लास्ट के सेकंड पोजीशन पे आना चाहिए। अब देखिएगा, यहाँ पर सेम आना चाहिए या फिर यहाँ पर सेम आना चाहिए, तो ये तो हमारा नहीं हो सकता। अब देखिएगा, इसकी बात कर लेते हैं,
यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे ए आया है और इधर से सेकंड पोजीशन पर भी ए आया है, तो हमारा आंसर ये हो सकता है। अब और चेक कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ पर हमारा ए है ये है तो ये नहीं होगा, यहाँ पर ए है और यू है ये नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। देखिएगा ये तो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, अब मैं दिखाऊंगा इसको सॉल्व करके हम हमारा आंसर क्या आता है। तो हम इस तरह से भी क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिएगा डेली की अगर मैं बात करूं तो डेली को क्या लिखा गया है, ये तो मैं आपको सॉल्व करके बता रहा, ये मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, इससे क्या होगा हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा। देखिएगा डेली को हमने लिखा है HIPLM। अब देखिएगा हमें पता होता है डी 4 होता है, ये 5 होता है, ये हमारा 12 होता है, ये हमारा 8 होता है, ये 9 होता है, और ये 8 होता है, ये 9 होता है, ये हमारा 16, ये 12 और ये 13। देखिएगा ये हमें याद करना होता है कैसे करते हैं, इसके लिए मैं अलग से एक लेक्चर बना दूंगा। देखिएगा डी के अगर मैं बात करूँ तो डी में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो ये कितना जाएगा हमारा 8 आ जाता है। अब ये इस अगर हम इसमें 4 ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाता है 9 आ जाता है, 9 हमारा आई होता है। अब ये देखिएगा ये 12, 12 में अगर मैं 4 ऐड कर देता हूँ तो हमारा कितना आ जाता है, ये हमारा आ जाता है 16 आ जाता है। तो देखिएगा इसमें सब जो हमारा ये है इसमें हमें 4 ऐड करना है तो हमारा ये आ जाएगा, और क्योंकि हमें ये दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे 4 माइनस कर देंगे। देखिएगा ये हमारा है क्यू ई एच वी ई डब्ल्यू। अब देखिएगा इसमें क्योंकि हमें माइनस करना है, देखिएगा ये हमारे इस तरह से जाएंगे, इस तरह से जाएंगे सब, क्योंकि हमें ये दिया है तो हमें ये हमारा 17 होता है, ये हमारा 5, ये हमारा 8 होता है, ये हमारा 22 होता है, ये 5 और ये 23। देखिएगा अगर मैं इसमें माइनस 4 कर देता हूँ, 17 माइनस 4 कितना 13 होता है, 13 मतलब M होता है हमारा। देखिएगा अब हमारे ये तो ऑप्शन नहीं हो सकते, तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, ए होगा या बी होगा, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। अब देखिएगा अगर मैं ई की बात करूँ, ई हमारा कितना 5 है, 5 में से अगर मैं 4 माइनस करता हूँ तो कितना जाएगा, ए हो जाएगा। तो आगे हमें करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे एम तो सेम था, तो हमें एक चेक और करना होगा, तो यहाँ पर ए आ जाता है और यहाँ पर यू है, तो हमारा आंसर ये हो जाता है। देखिएगा इसमें आपका कुछ ना कुछ तो टाइम सेव, इसमें अगर इस तरह से करते हैं तो कंज्यूम होगा टाइम, और ये जो मैंने आपको पहले जो तरीका बताया है उसमें कोई भी टाइम आपका कंज्यूम ज़्यादा नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा। तो हम इस तरह भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिएगा ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे समझेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। ए ट्रेन ऑफ लेंथ 110 मीटर इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन बाई ट्रेन ऑफ टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 132 मीटर इज। ये तो हमारा इंग्लिश वर्जन है, ये हमारा हिंदी वर्जन है, इसको पढ़ लेते हैं। 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी चल रही है, उसे 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में लगने वाला समय क्या होगा। देखिए क्वेश्चन ये है, अब ये मैं आपको समझा देता हूँ। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 110 मीटर है और एक पुल है। देखिएगा ये हम मान लेते हैं ये एक पुल है, और इस पुल को एक रेलगाड़ी यहाँ पर है, ये ट्रेन है, इसको पार करना है। तो ये कहा गया है कि इसको कितना टाइम लगेगा। देखिएगा इसकी लेंथ पुल की है 132 और ये कितनी है 110 मीटर, ये मीटर में ही ये ध्यान रखना है। और हमारी जो स्पीड दी है वो किलोमीटर पर आवर में दी है, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। देखिएगा ये यहाँ पर ये है ट्रेन और ये है हमारा ब्रिज है। देखिएगा जब ये हमारा है, ये ट्रेन इसको पार करेगी, तो ये देखिएगा इस तरह से ये पार कर रही है, तो जब ये ट्रेन यहाँ पर पहुँचेगी तो इसको ब्रिज को पार कर लेगी। तो इस ट्रेन के द्वारा टोटल डिस्टेंस जो कवर की जाएगी, ये डिस्टेंस कवर की जाएगी, ये कितनी है 110 है, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी 242, इतने मीटर ये डिस्टेंस ट्रेन द्वारा कवर की जाएगी। अब देखिएगा अगर मैं स्पीड की बात करूँ, स्पीड कितनी दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो हम ये हमें पता होता है अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ये 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिएगा कैसे
36 इंटू 5 अपॉन 18 ये करना होगा, तो इससे हमारी स्पीड क्या आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता है तो 18 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई करी की जाती है। अब देखिएगा ये हमारी आ जाती है स्पीड, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, ये 2 आ जाएगा, 2 इंटू 5 कितना होता है, ये हमारा 10 होता है। तो 36 किलोमीटर पर आवर बराबर किसके होता है 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिएगा क्योंकि मुझसे टाइम पूछा है तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितने हैं 242 डिवाइड बाई ये हमारी स्पीड कितनी दे रखी 10 दे रखी, तो ये कितना हो जाता है हमारा 24.2 इतने सेकंड, ये हमारा आंसर हो जाता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, देखिएगा ये हमारा आंसर देख भी रहेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, बस शर्त यह है कि आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये देखिएगा ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे समझेंगे फिर इसका सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो ऑफ 4:5 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशो ऑफ 7:9 इफ ईच सेव्स 50 rupees पर मंथ द मंथली इनकम ऑफ ए इज। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, ये तो इंग्लिश वर्जन है, ये हिंदी वर्जन भी पढ़ लेते हैं। क्या है, ए और बी की मासिक आय 4:5 के अनुपात में है तथा उनके मासिक व्यय 7:9 के अनुपात में है। यदि दोनों ही 50 rupees प्रति माह बचत करते हैं तो ए की मासिक आय क्या होगी। देखिएगा यहाँ पर ए की मासिक आय पूछा गया है, लेकिन ये भी हो सकता है ए और बी की भी मासिक आय पूछ ली जाए किसी क्वेश्चन में, तो मैं आपको दोनों निकाल कर दिखाऊंगा। देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें, ये है इनकी, ये इतनी अर्निंग कर रहे हैं पर मंथ और ये इतना व्यय करते हैं और ये इतना सेव करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर ए रेशो बी की अगर मैं बात करूँ तो ये है 4:5 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए कितना हो जाता है 4x हो जाता है और बी कितना हो जाता है 5x हो जाता है। अब देखिएगा ये हमारी सेविंग, ये इतना अर्निंग कर रहा है, अगर मैं इस अर्निंग में से सेविंग जो है उसको माइनस कर देता हूँ तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा, तो मैं क्या करूँगा अब, ये हो जाएगा 4x-50, क्योंकि दोनों केस में क्या दिया है कि 50 को ये सेव कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया है टोटल में से अगर मैं 50 माइनस कर देता हूँ तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x-50, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है तो 7/9। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना 36x-450 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 35x-350। अब देखिएगा इसको मैं 35x को इधर ले आऊँगा तो x हो जाएगा और -450 को मैं इधर ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा 450-350, तो ये आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब देखिएगा ये x की वैल्यू आ जाएगी 100, अगर मैं बात करूँ तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, क्योंकि मैंने 4x है, x की वैल्यू कितनी है 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 400 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 हो जाएगा। तो क्योंकि हमारे आंसर जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया है a के बारे में, तो a कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, अगर हमसे b के बारे में पूछा जाता है तो ये 500 हो जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। अब देख भी रहे हूँ बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस ये है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए और मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे समझेंगे फिर इसका सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, ए इज शॉर्टर देन डी बट टॉलर देन सी, डी इज शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन ए, ई शॉर्टर देन ए बट टॉलर देन सी, द टू टालेस्ट आर। देखिएगा ये मिसप्रिंट हुआ है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको अब हम करते हैं सॉल्व कैसे करना है। देखिएगा इसने कहा कि ए शॉर्टर देन डी, देखिएगा हम लिख लेते हैं ए इज शॉर्टर देन डी बट टालर देन सी, तो ये सी से बड़ा है। इसके बाद कहा है डी इज शॉर्टर देन बी, डी इज शॉर्टर देन बी, तो ये कंडीशन मैंने फुलफिल कर ली है। और ये है टॉलर देन ए, देखिएगा बी ए से बड़ा है, ठीक है। इसके बाद कहा है ई शॉर्टर देन ए, ई शॉर्टर देन ए, ये कंडीशन हमने ठीक ली है, बट टॉलर देन सी, तो ई सी से बड़ा है। अब देखिएगा इसने कहा टू टॉलेस्ट, अब देखिएगा ये हमारी दो आई है, अब देखिएगा हम यहाँ पर देख लेते हैं ये, देखिएगा सी से बड़ा क्या है ई है और ई से बड़ा क्या है ए है, तो इसकी जगह हम ये रख देंगे, तो क्या हो जाएगा सी लेस देन ई लेस देन ए लेस देन डी लेस देन बी। अब देखिएगा इसने कहा है कि दो सबसे बड़े,
दो सबसे बड़े मतलब हमारा डी और बी हो जाएगा। अब देखिएगा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, यानी कि अगर जिस ऑप्शन में हमारा डी और बी होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा डी और बी यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देख भी रहे हैं बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस ये है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिएगा ये हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे समझेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसने कहा है फाइंड मिसिंग टर्म्स। ये देखिएगा ये यहाँ पर एक मिसिंग टर्म्स है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। अब देखिएगा दोनों तरीके सही है, लेकिन अगर आपने एक ही तरीका इस पर अप्लाई किया है तो आप सोचेंगे ये क्वेश्चन गलत है। अब देखिएगा इसको मैं क्वेश्चन को आपको समझाते तब अच्छे से आपको समझ में आएगा जब मैं आपको सॉल्व करूँगा। देखिएगा अगर मैं बात करूँ, ये हमारी एक ग्रिड दे रखी है 2, 3, 5, 17, 12, 8, 23 और ये हमारा मिसिंग टर्म्स है, इसको फाइंड आउट करना है, और 38। देखिएगा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 17 + 2 × 2, इस 2 में 1 ऐड करना है और मल्टीप्लाई 2 की करनी है +1, तो ये कितना हो जाता है हमारा, ये हमारा 2 + 1 कितना है 3, 3 × 2 कितना है 6, 6 + 17 कितना है 23, तो ये हमारा 23 आ जाता है। अब इसको चेक कर लेते हैं, ये हमारा आ जाएगा 8 + 5 × 5 + 1 6 हो जाएगा, और 6 × 5 कितना है 30, 30 + 8 कितना हो जाएगा 38, तो हमारा ये भी आ जाता है। यानी कि हमारा पैटर्न क्या बन रहा है, जो हमारा ये नंबर है इसमें हमें ऐड करना है इसका, और इसमें +1 ऐड करके के इसमें मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने ये आपको समझाया है। देखिएगा तो ये भी सेम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 12 + 3 × 3, ये 3 + 1, तो ये हो जाएगा 3 + 1 4, 4 × 3 कितना 12, 12 + 12 कितना जाएगा ये हमारा 24। तो अगर हम इस तरह से करते हैं तो मतलब हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाता है, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अगर हम ये मेथड अप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा गलत, और हम सोचेंगे ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। लेकिन अब क्योंकि ये रीजनिंग है तो रीजनिंग में कोई एक मेथड नहीं होता किसी एक क्वेश्चन को निकालने के लिए, तो क्योंकि हमें सॉल्यूशन उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग निकालना होता है। देखिएगा तो क्योंकि हमारा ये भी आंसर सही है लेकिन ये कोई भी हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो हम ये अपने यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब देखिएगा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 2 में मैं 1 ऐड करता हूँ तो कितना जाता है 3 आ जाता है, 3 में +2 ऐड करता हूँ तो 5 आ जाता है, 5 में अगर मैं 3 ऐड करता हूँ तो कितना आ जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, 8 में अगर मैं 4 ऐड करता हूँ तो कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा, 12 में अगर मैं 5 ऐड करता हूँ तो ये हमारा 17 आ जाएगा, अगर 17 में मैं ऐड करता हूँ 6 तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, अब 23 में अगर मैं 7 ऐड करता हूँ तो कितना आ जाएगा ये हमारा 30 आ जाएगा, और 30 में अगर मैं 8 ऐड करता हूँ तो कितना हो जाता है ये हमारा 38। अब देखिएगा क्योंकि ये जो मिसिंग टर्म्स थी हमारी यहाँ पर कितना आया है 30, अगर कोई ऑप्शन में हमारा 30 आता है तो मतलब वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिएगा ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिएगा जब मैंने इस मेथड से किया है तो हमारा आंसर, जो हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं है तो इस हिसाब से हमारा ये आंसर, मतलब जो हमारा ये आंसर आया है ये हमारा सही है और ऑप्शन कोई भी नहीं मैच करता है, तो इस हिसाब से हमारा ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये हमारी रीजनिंग है तो रीजनिंग हमारा कोई एक मेथड नहीं होता सॉल्व करने के लिए, मोर देन वन मेथड होते हैं, तो हमें और मेथड इस पर अप्लाई करने होते। जब मैंने ये मेथड अप्लाई किया तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा कोई ऑप्शन नहीं है तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि जब ये मेथड मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो इस मेथड से मेरा आंसर क्या आ जाता है, 30 आता है, और यही मेरा आंसर हो जाता है। तो गाइज इस तरह से हमें रीजनिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और गाइज आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और गाइज अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।